सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेरे पास ये माइक्रोवेयर की W17 Pro वॉच है। इस वॉच में बहुत ही लोगों को टाइम सिंक का इशू आ रहा था। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि मेरे फ़ोन में इस टाइम टाइम हो रहा है 150 और मेरी वॉच को मैं दिखाऊं ओपन करके तो इस वॉच में हो रहा है 120। इसका मीन्स है कि हाफ आवर का लेट टाइम चल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ कि ये वॉच इसी फ़ोन से पेयर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइंड वॉच पर क्लिक करने पर यही वॉच वाइब्रेट होगी। इसका मतलब ये वॉच इसी फ़ोन से पेयर है और इसका टाइम हाफ आवर लेट चल रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि इस वॉच में टाइम हो रहा है 121 और मेरे फ़ोन में टाइम हो रहा है 151। तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन मेरे पास है। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको एक एंड्रॉयड डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आप सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी वॉच को अपडेट कर सकते हैं और उसके बाद अब अगर आप अपनी वॉच को पेयर करेंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस के साथ या iOS डिवाइस के साथ तो वो प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। तो जैसे कि मैं दिखा दूँ कि इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है 4.0 है, इसलिए वॉच में प्रॉब्लम आ रहा है। और इस वॉच में नोटिफिकेशंस भी डिटेल नहीं आते हैं। इस वॉच में नोटिफिकेशन पर टैप नहीं होता है, ना ही किसी ऐप का डिटेल नोटिफिकेशन आता है, ना ही किसी एप्लीकेशन के बारे में बताता है। और साथ में ही मेरे पास एक अपडेटेड वॉच है, ये भी सीरीज 7 W17 Pro है। इसका एंड्रॉयड वर्ज़न 4.9 है और इसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि इसका वर्ज़न 4.0 है और इस सेकेंड वाली वॉच का वर्ज़न 4.9 है। तो 4.9 वाली वॉच में सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग कर रही हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि इसके नोटिफिकेशन डिटेल नहीं आते, बट सेकंड वाली वॉच में देखिए तो आप सारे एप्लीकेशंस के डिटेल नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप उस पर टैप करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं, सारे ऐप के लोगोज़ आपको मिल जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके फ़ोन में जो पुराना M Active Pro एप्लीकेशन पड़ा है इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उस लिंक पर डायरेक्ट टैप करके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या उस लिंक को कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउज़र या जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें उसको ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट करके उस वेबसाइट को ओपन कर लिया है। तो ये एक बहुत ही वीक वेबसाइट है, बहुत स्लो काम करती है। तो इस वेबसाइट में आपको एकदम चाइनीज़ लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगी और इस पर जब तक कि टैप नहीं होगा, जब तक कि पूरी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती। तो थोड़ा सा वेट करिए जब तक कि पूरी वेबसाइट लोड हो जाएगी, फिर ये वेबसाइट वर्क करने लगेगी। और जैसे ही वेबसाइट लोड होती है आप इस बटन पर टैप करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी वेबसाइट लोड हो चुकी है। तो जैसे वेबसाइट लोड होती है आप चाहें तो इसको इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, या अगर आपके में ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो इसको चाइनीज़ में ही रहने दीजिए। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इस बटन पर टैप करके ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देना है। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगी बट आपके पास एक डाउनलोड का पॉपअप आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आया। तो मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुका हूँ, तो डाउनलोड अगेन लिख के आ रहा है, फिर भी मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको डाउनलोड करूँगा आप डिटेल्स में जाके देख सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, और मैं एक बार इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर चुका हूँ। तो जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है आप इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा हम आगे के स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो इस एप्लीकेशन पे क्लिक करके हम इसको ओपन करेंगे। उसके बाद एग्री करना है, उसके बाद जितनी भी परमिशंस मांगे सब पे आपको अलाउ कर देना है, सारी परमिशंस इसको दे देना है। फिर अपना ईमेल या पासवर्ड डाल के आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे आप इसकी होम स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे, तो सारी परमिशंस को इसमें आप अलाउ कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन का एक्सेस देना पड़ेगा, नोटिफिकेशन का एक्सेस दे दीजिए। उसके बाद में एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे आपको आपका डिवाइस बाइंड करना होगा। तो बाइंड करने से पहले आपको जो ओल्ड डिवाइस है आप उसको सीधे जाइए सेटिंग्स में और वहाँ से इसको फैक्ट्री डेटा रीसेट कर दीजिए। तो जैसे ही वॉच शट डाउन होगी उसके बाद ओपन होगी तो एक नई वॉच के जैसे फैक्ट्री डेटा रीसेट होकर ओपन होगी। तो उसके बाद हम इस वॉच को बाइंड कर लेते हैं अपने ऐप के साथ। तो यहाँ पर मेरा ब्लूटूथ नहीं खुला हुआ तो मैं ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी वॉच को बाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी वॉच आ गई है और मैं इस वॉच को यहाँ से बाइंड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेयर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बाइंड किया देखिए आप यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन आ गया। अगर आपके ऐप में यह ऑप्शन नहीं आता है तो आप सीधे नीचे जाके फर्मवेयर अपग्रेड पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो तुरंत ही इसको अपग्रेड कीजिए,
यहाँ पे फर्मवेयर हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो रहा है, और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो ये बूट मोड में एंटर करने लगेगा। तो बूट मोड में एंटर करने पर आपकी वॉच वर्क नहीं करेगी, तो प्लीज़ उसको साइड में रख लीजिए। अगर आप उसके बटन्स वगैरह को टैप करते हैं तो जैसे यहाँ पे मेरी फ़ाइल सेंट हो रही है, बट यहाँ पे ये रुक जाएगी, अपग्रेड फेल्ड दिखाने लगा। तो प्लीज़ उसको टच मत कीजिए, ऑटोमेटिक अपडेट होने दीजिए। यहाँ पे फिर अपने आप रिट्राई करेगा। तो यहाँ पे मेरा फर्मवेयर अपग्रेड फिर से चालू हो गया है। तो यहाँ पे फाइल धीरे धीरे करके सेंट हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1%, 2%, तो इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा पूरा फर्मवेयर आपकी वॉच तक पहुँचने में। जैसे ही आपकी वॉच में फर्मवेयर अपडेट होने लगेगा, उसके बाद आप इस वॉच को यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एकदम लास्ट स्टेप चल रहा है मेरा फर्मवेयर अपग्रेड होने का। 98%, 99% मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट का टाइम लिया पूरा फर्मवेयर इस वॉच में सेंड करने के लिए। तो जैसे ही वॉच का फर्मवेयर अपग्रेड होगा, आप देखेंगे वॉच वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो उसके बाद इस वॉच ये डिसकनेक्ट हो जाएगी, तो आपको इसको फिर से ब्लूटूथ में जाके पेयर करना है। अगर कनेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं कनेक्ट है तो आप दोबारा इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो मेरे यहाँ पे ब्लूटूथ से अनकनेक्ट हो गई है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से उसको पेयर कर लेता हूँ। जैसे ही इस वॉच को हम पेयर करेंगे अपने फ़ोन में, आप देखेंगे तुरंत ही इसका टाइम सिंक हो जाएगा। जैसे मैं इसका M2 Pro एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टाइम सिंक हो गया है, तुरंत इसका टाइम सही हो गया है। जैसे कि 252 मेरे फ़ोन में टाइम हो रहा है, तो सेम इसमें भी 252 टाइम हो रहा है। और यूनिट सेटिंग में जाके अब इसको 12 आवर 24 आवर्स पर सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 आवर्स पर सेट किया और वहाँ पे ऊपर पे ओके किया, तुरंत ही इसमें चेंज हो जाएगा, अभी 24 आवर्स पर सेट है ये वॉच। तो आप देख सकते हैं कि सेम आपका 253 मेरे फ़ोन में टाइम हो रहा है और 253 मेरी वॉच में भी टाइम हो रहा है। तो ये सिंक का इशू आपका सॉल्व हो चुका है। और मैं आपको नोटिफिकेशंस के बारे में बता दूं, जैसे कि आप नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं कि इस वॉच से पेयर है, जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सारे डिटेल्ड आ रहे हैं, पूरे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन या SMS नोटिफिकेशन सारे डिटेल में आ रहे हैं। और करंट में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उसका पॉपअप भी आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो कि पहले अपग्रेड करने से पहले स्क्रीन पर पॉपअप नहीं आता था, सिर्फ वॉच वाइब्रेट करती थी। आप देख सकते हैं कि इसका पॉपअप भी स्क्रीन पर आएगा कि किस एप्लीकेशन का कौन सा नोटिफिकेशन आया है, तो आप पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिनको भी इस अपग्रेड की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।